Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum viewers. Viewers, object oriented programming using C++ series ke saath, main hu Muhammad Safdar Dogar. Viewers, pichle lecture ke andar humne dekha tha ki operator overloading kya hoti hai. Operator overloading ke saath hum yani kaise programming kar sakte hain aur humne ek program bhi kiya tha operator overloading ke through. To viewers, aaj ke lecture ke andar hum kuch aur program karenge jaise hai ji Overloading plus plus and minus minus operator या हम इसको increment या decrement operator भी कहते हैं in object oriented programming. और उसके बाद हम देखेंगे overloading postfix form increment या decrement operator हम कैसे करेंगे. तो viewers start करते हैं यहाँ पे viewers मैं एक class लेता हूँ जिसका नाम है जी test. और यहाँ पे मैं एक private डाटा मेंबर लेता हूं इंटीजर एन के नाम से. और व्यूअर्स यहां पे पब्लिकली मैं एक कंस्ट्रक्टर लेता हूं क्लास का और इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देता हूं मैं जीरो से. तो व्यूअर्स मैं यहां पे मेन का फंक्शन लेता हूं. मेन फंक्शन के अंदर मैं जाके टेस्ट ओबीजे ऑब्जेक्ट तो इसको मैं रन करता हूँ. तो ये देखें मेरा वेरिएबल जो है ना वो इनिशियलाइज हो गया. अब व्यूअर्स मैं यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोड करता हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर से. तो उसके लिए आ जाएगा वाइड ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर और यहाँ पे आ जाएगा एन प्लस प्लस यानी कि पहले इनिशियलाइज वैल्यू उसकी ज़ीरो से हो जाएगी. उसमें एक इजाफा कर देगा और उस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा सी आउट द वैल्यू ऑफ एन कॉलन यहाँ पे एन की वैल्यू को मैं शो कर दूँ. तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग करता हूँ ऑब्जेक्ट वन और यहाँ पे मैं लेता हूँ ऑब्जेक्ट वन डॉट शो. तो ये देखें व्यूअर्स द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू वन हो जाएगी. अब होगा कैसे व्यूअर्स, जब हमारा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ तो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होते ही हमारा कंस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल हो जाएगा. कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो एन की वैल्यू इनिशलाइज हो जाएगी ज़ीरो से. और जब व्यूअर्स हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग की प्लस प्लस ऑपरेटर के साथ तो ये क्या हो जाएगा आपका एक एन की वैल्यू में एक का इजाफा हो जाएगा. और साथ ही व्यूअर्स जब हम उसको ऑब्जेक्ट वन डॉट शो करेंगे तो वो जो है ना उसकी वैल्यू को क्या कर देगा शो कर देगा. इस तरह व्यूअर्स अगर मैंने डिक्रीमेंट ऑपरेटर से करना है उसकी ओवरलोडिंग करनी है तो उसके लिए आ जाएगा वाइड ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर और उसके साथ आ जाएगा एन माइनस माइनस. तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं करता हूँ माइनस माइनस ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट वन डॉट शो करूँगा तो दोबारा उसकी वैल्यू फिर कितनी शो हो जाएगी वो ज़ीरो शो. तो ये देखें द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू वन हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा. तो व्यूअर्स जब मैंने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया तो इनिशियलाइज हो गया, एन की वैल्यू ज़ीरो से इनिशियलाइज हो जाएगी. जब प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया तो उसकी वैल्यू में एक का इजाफा हो जाएगा यानी कि वन ज़ीरो से वन हो जाएगी. जब मैं शो के फंक्शन को कॉल करूँगा तो एन की वैल्यू को वन शो कर देगा. इसी तरह जब मैं उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट से ओवरलोड करूँगा तो वो वन से वैल्यू उसकी डिक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी. और फिर जब मैं ऑब्जेक्ट वन डॉट शो करूँगा तो उसकी वैल्यू को क्या कर देगा शो कर देगा वो ज़ीरो कर देगा. अब व्यूअर्स अगर मैंने जैसे मेरा ऑब्जेक्ट वन है इसको मैंने ऑब्जेक्ट वन पोस्ट फिक्स फॉर्म के साथ अगर मैंने इसको समझे ओवरलोड करना हो तो ऐसे करेंगे तो ये देखें इसके साथ एरर आ जाएगा. तो उसके लिए मुझे व्यूअर्स यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग यानी कि यहाँ पर वाइड ऑपरेटर यहाँ प्लस प्लस और यहाँ पे मुझे एक पैरामीटर एज ए इंटीजर पास करना पड़ेगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा एन की वैल्यू में का इजाफा कर. अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये देखें इस
में दो का इजाफा कर देगा, यानी कि जब एक दफ़ा प्रीफिक्स फॉर्म में ओवरलोड होगा तो ये एन की वैल्यू ज़ीरो से कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। जब दोबारा इसको ओवरलोड करेंगे तो वन से कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी। और जब मैं इसको शो करूँगा तो ये देखिए इसकी वैल्यू को क्या कर देगा, टू शो कर देगा। ये देखो एन की वैल्यू टू हो जाएगी। और जब उसका डिक्रीमेंट का ऑपरेटर ओवरलोड होगा तो वो कितनी कर देगी, टू से फिर दोबारा इसको वन कर देगा। इसी तरह व्यूअर्स, अगर मैं ऑब्जेक्ट वन को पोस्ट फिक्स फॉर्म में डिक्रीमेंट करना चाहता हूँ और इसको रन करूँगा तो ये देखें ये भी एरर दे देगा। तो उसके लिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर वॉइड ऑपरेटर माइनस माइनस इंटीजर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, और यहाँ पे भी व्यूअर्स अगर मैं ऐसे कर लेंगे इसको प्लस प्लस लिखने की फ़र्क नहीं पड़ता इससे कोई, और यहाँ पे भी अगर मैं इसको माइनस माइनस कर लूँ तो ये देखें सॉरी ऑब्जेक्ट वन, ये देखें एन की वैल्यू इंक्रीमेंट दो दफ़ा होगी तो टू हो जाएगी, या दो दफ़ा डिक्रीमेंट होगी तो टू से दोबारा वो रिवर्स ज़ीरो हो जाएगी। अब ये मेरी देखें मेरा प्रीफिक्स में हो रहा है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे व्यूअर्स इसको प्रीफिक्स यूज़ कर लूँ पीछे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे मैं अगर प्रीफिक्स में कर लूँगा तो तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। असल जो तरीका कार रहता है वो यही है कि ये हमारा प्रीफिक्स ओवरलोडिंग हो रही है और ये हमारी पोस्टफिक्स ओवरलोडिंग हो रही है। इसी तरह ये हमारी प्रीफिक्स ओवरलोडिंग डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ हो रही है और ये हमारी पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ ओवरलोडिंग हो रही है। तो उम्मीद है कि व्यूअर्स आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके अल्लाह।